इस संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है, कोई संकट नहीं है जो भगवान के नाम लेने से, कीर्तन करने से टल ना जाए। लेकिन लोगों को पता नहीं, भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है। अब ये कलयुग चल रहा है ना, यहाँ विश्वास कम है, कीर्तन पर विश्वास नहीं। कीर्तन किया करिए आप लोग। हमारे यहाँ भारत में तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि आप सब भारत से ही हैं। भारत के कुछ गांव आज भी ऐसे हैं, कुछ जगह ऐसी आज भी हैं जहां नित्य प्रभात फेरियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं? आप यहां निकालते हैं प्रभात फेरी? अच्छा, कोई यहां निकाले प्रभात फेरी तो कोई मना करता है क्या? कोई मना तो नहीं करेगा। अब आप निकालती नहीं है प्रभात फेरी, कोई निकाले तो अच्छी बात है ना। तो हमारे यहां प्रभात फेरी की बड़ी महिमा है। आप लोग अपने घर में 20 मिनट ही सही, सब लोग बैठो, दादा दादी बेटा बेटी पति पत्नी, और खूब कीर्तन करो। जहां कीर्तन होता है वहां सब कुछ होता है, सुख शांति समृद्धि लक्ष्मी का वास होता, सब कुछ है। कीर्तन से भगवान प्रसन्न होते हैं। एक मैया हमारे पास आई, बोली महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा रोज आधा घंटा कीर्तन किया करो। मैया बोली महाराज कुछ और बताओ। हमने कहा कीर्तन किया करो घर में आधा घंटा, सारा दुख दूर होगा। नहीं महाराज जी कुछ और बताओ, कुछ और। हमने कहा फिर आसपास कुआ है? हाँ बोली कुआ तो है। हमने कहा बस उसी में छलांग लगाओ, सारे दुख से मुक्ति। मतलब ये कलयुग ऐसा है कि यहां भगवान के नाम पर लोगों को विश्वास नहीं है। जिस नाम के बल पर, अब बताओ पत्थर पर राम ही तो लिखा गया था ना, और पानी में डाल दिया गया था, तो पत्थर पानी में तैर गए के डूब गए? जिस नाम ने पत्थर को नहीं डूबने दिया, वो नाम का आश्रय आप लेंगे तो क्या वो नाम आपको डूबने देगा? फिर इसलिए नाम पर विश्वास। हनुमान जी को विश्वास था, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। अब सोचो हनुमान जी ने समुद्र को छलांग लगा के पार कर लिया, ये किसका बल था? हनुमान जी का बल था? नहीं, हनुमान जी का बल नहीं था, ये राम जी के नाम का बल था। राम ते अधिक राम कर नामा, राम से अधिक महिमा राम के नाम की है। इसलिए हनुमान जी लंका गए, एक छलांग में समुद्र को पार कर लिया, ये महिमा हनुमान जी की नहीं है, ये तो राम नाम की महिमा है। तो जिस नाम के बल पर हनुमान जी समुद्र को छलांग लगाकर पार कर गए, अंगद जी लंका गए तो पांव जमा दिया लंका में, ये रहा मेरा पांव, जो हिलाएगा, यदि आप में से किसी ने मेरे पांव को हिला दिया तो राम जी हार जाएंगे, सीता जी को चले जाएंगे वापस। अब देखो सीता माता को दांव पर लगा दिया अंगद ने और पांव जमा दिया, और बड़ी बड़ी यहां तक कि इंद्रजीत, मेघनाथ का नाम है इंद्र, जो इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, मेघनाथ ने भी पांव हिलाया लेकिन टसका मसना हुआ, हिला नहीं। अब सोचिए कि लंका में कोई पांव ना हिलाने वाला, तो क्या ये बल अंगद का था? अंगद जी का बल है? नहीं, अंगद जी ने पांव जमाया तो सही, पर किसके बल से जमाया? बोलो, राम नाम के बल से। तो जिनके नाम के बल से पांव कोई ना हिला पाया, जिनके नाम के बल से समुद्र को छलांग लगा के पार कर गए, उस नाम का आश्रय आप और हम ले लेंगे तो सोचो हम पार नहीं हो जाएंगे? लेकिन क्यों क्यों नहीं नाम लेते? क्योंकि आज के युग में उस नाम पर विश्वास कम हो गया है।
कुछ और मंत्र बताओ, कुछ और बताओ। औरों पर विश्वास है, उस नाम पर विश्वास नहीं है। वो राम का नाम जो दो अक्षर का है ना, वो तब भी उतना ही प्रभावी था और आज भी उतनी है। कृष्ण नाम में उतनी ताकत तब भी थी, उतनी ही ताकत। फर्क इतना है कि पहले विश्वास करने वाले थे, आज विश्वास करने वालों की मंत्र जाप मम द्रह विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान का नाम विश्वास के साथ जपा जाए तो कल्याणकारी है।